तुम कहो तो रुके, तुम कहो तो चले, ये जुनून है अगर तो जुनून तो चले। आज ये कोलैबोरेशन है सीमा ऑफिशियल और बाबा फन के दरमियान। तो रुके तुम कहो। गुड, अगला जो टॉपिक है हमारा वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी कम्युनिटी कितनी है। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरामिश और आप देख रहे हैं बाबा फन आरआरसी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बराने रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। भाई मैं आया हुआ हूँ मीटर 10 पे। मीटर 10 में आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। यार एक स्प्रे वाली बॉटल ले लेंगे, ये हमारे पास नहीं है। छोटा नहीं, ये तो शीशे की है भाई, प्लास्टिक वाली चाहिए। प्लास्टिक वाली कहाँ है? तो भाई मीटर 10 में आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, जब मैं सलार के लिए वो सेफ्टी गेट लेने के लिए आया था तो सलार का सेफ्टी गेट तो मिला नहीं था। तो आज फिर मैं आया हूँ, कुछ चीज़ें परचेज करनी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी स्पेशल किस्म की आज जो है वो मैंने शॉपिंग की है यहाँ से, तो बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि भाई आप सबके लिए व्लॉग बनाने होते हैं तो उसी के लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, तो आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। बिल करा लूँ, किंजा वेट कर रही हैं, घर पहुँचता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ। भाई आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है उन सब के लिए। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर आके स्टडी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या वो अपना फ्यूचर बाहर देख रहे हैं कि भाई हम कहीं मूव कर जाएं और वहाँ पे जाके स्टडी करें और फ्यूचर में फिर पी आर लें और फिर जो है वो वहाँ का पासपोर्ट लें और अपनी ज़िंदगी को वहाँ पर सेटल डाउन करें। तो भाई आज जो है हम एक कंपैरिजन वीडियो बना रहे हैं दो कंट्रीज़ के दरमियान। वो दो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं थोड़ी देर में आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, बाहर आना चाहते हैं, मूव होना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये दो कंट्रियों का कंपैरिजन है, डायरेक्ट यहाँ से और डायरेक्ट उस कंट्री से, यानी लाइव कंपैरिजन है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा होकर सिर्फ आपको इस कंट्री के बारे में बताऊँगा, वहाँ से भी उस कंट्री के बारे में भी लाइव कोई इंसान आपको अपडेट दे रहा होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये सीरीज होने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं थोड़ी देर में। सबसे पहले आप मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको जरा सलाम पेश कर देंगे तो बहुत। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बरान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। थैंक यू, थैंक यू। और सलार साहब आप भी जरा सलाम पेश कर दें। गुस्से में बैठे हुए हैं सलार साहब, गुस्से में। क्यों गुस्से में? उसको हेयर ब्रश नहीं दे रहे थे मुंह में डालने के लिए, सो ही इज वेरी वेरी एनॉयड। इनॉइड तो नहीं है, खुश है। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं वूलवर्थ। भाई सुबह से हमने खाना शाना कुछ नहीं खाया हुआ, बड़े बिजी थे, मसरूफ थे, आपके लिए व्लॉग्स बनाने होते हैं, वीडियोस बनानी होती हैं, तो भाई उन्हीं की प्लानिंग में जो है ना, मैं पता क्या, ये गाड़ी का ना ऑटो लॉक, मतलब अनलॉक ऑटो नहीं है, तो मैं जैसे अब उसको गाड़ी उतरता हूँ मैं उतर के खुद ही चला जाता हूँ, ये बच्चे अंदर ही है। मैं उतर के 1.5 किलोमीटर चला जाता हूँ, ये पीछे बैठे। ये सूरत हाल है। तो अभी हम आए हैं जी वूलवर्थ क्योंकि हमने खाया कुछ नहीं हुआ था, तो हमने कहा यहाँ से कुछ फ्रूट पकड़ लेते हैं। तो मैं याद देखती हूँ कोई पाइनएप्पल अगर अच्छा मिल जाए, ऑलरेडी प्री कट, अगर चेरीज नहीं, चेरीज देख लेती हूँ, नहीं तो फिर यार चेरीज वगैरह नहीं मैंने खानी। चलो पाइनएप्पल या वो फिर फ्रूट की जो बकेट बनी होती है ना, उसके अंदर डिफरेंट छोटा बॉक्स मतलब मैं चाहिए लूंगा। चलो या फ्रूट बास्केट तो फिर वो है ही नहीं, एक ऑप्शन। चलो ठीक है जाओ। तो भाई अभी यहाँ से पकड़ते हैं कुछ खाने पीने के लिए। सलार साहब का खाना पीना फुल है, बस हमारी थोड़ी सी जो है ना डोज रहती है, तो वो पकड़ के फिर चलते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या मिला है? दिखाओ यार, दिखाओ 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 दिखाओ। पाइनएप्पल ही था। ओके, तो मैंने कहा प्लेटर 15 का तो ये ज्यादा बेटर नहीं। ओए बेहतरीन हो गया यार, कमाल हो गया, कमाल हो गया, थैंक यू, कमाल हो गया। हैं खाना मेरा नहीं, तुम्हारा है, अभी वहां जाके खाएंगे। मैंने भूख से कितने, ये कितने का मिला? ये 15 का मिला, बेहतरीन है। $10 का वो पाइनएप्पल। ये कितने का मिला? $1। क्या बात है यार, बेहतरीन है। चले लोकेशन लोकेशन लोकेशन। हाँ ठीक है, बेहतरीन है। मैं अपना एक जुगाड़ भी करके आया हूँ आज, मैं एक चीज लेके आया हूँ, आ जाओ। नहीं नहीं छोर है, आओ दिखाऊं। तुम्हें क्या लगा क्या है? मुझे पता है तुम जो समझ रही हो, लेकिन वो नहीं है, आ जाओ। तो भाई किंजा को सरप्राइज देते हैं, आ जाओ यार, आ जाओ। वाह भाई वाह, क्या है?
चेयर होगी, कैंपिंग चेयर है, दो लाया हूँ क्योंकि अक्सर पता क्या है, क्योंकि ऐसी जगह कहीं होती है जो हमें सूरज से दूसरी तरफ बैठना पड़ता है, लेकिन वैसी जगह बन नहीं रही होती, तो उसके लिए मैं ये लाया हूँ। तुम फिलहाल पता क्या करो, तुम कैमरा पकड़ो, मैं इनको जाके लोकेशन पे सेट करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व्यू कैसा आएगा? खूबसूरत खूबसूरत व्यू अच्छा है ना यहाँ से? ब्यूटीफुल, क्योंकि मैं रेत में जाना नहीं चाह रहा ना, आज पानी ज्यादा तेज है ना। अहे इधर देखो भाई, वेरी नाइस, सरप्राइज सरप्राइज लेके आया हूं मैं, सरप्राइज। चलो जी गुड। हाँ जी, ये भी देखें जी आपके लिए, ये भी नया लिया भाई, और ये काफ़ी महंगा मिला है, लेकिन ये है कि कंपनी अच्छी है तो महंगा तो मिलने का ही, जॉबी का है, और इट्स $180। ओए होए होए, खर्चा कर दिया $180 का। इधर देख लड़की, $180। मैं ये जाके लगाऊँ, तुम सलार को ले आओगी ना? चलो भाई ये जाके लगाते हैं जी। तो हम अपनी बेहतरीन सी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, खूबसूरत नज़ारा, और भाई आज भी लोग बाहर निकले हुए हैं, हालांकि वीकडे है, लेकिन बीच जो है वो भरा हुआ है, पार्किंग भी तकरीबन फुल ही है, एक ही गाड़ी की थी जाम ने लगा दी है। हमारा सेटअप भी लग चुका है भाई, चेयर्स आ गई हैं, ट्राईपॉड आ गया, नया लिया है, आप सब के लिए लिया है, तो कमेंट करके अप्रिशिएट ज़रूर किया करें, ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बना सकूं, और बहुत अच्छी क्वालिटी का ट्राईपॉड माशाल्लाह मिला है। उम्मीद करता हूं आपको लोकेशन जो है वो पसंद आई होगी। लास्ट टाइम जो माइक के साथ मैंने वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम था, आई थिंक माइक मेरे ज़्यादा करीब था तो फट 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 हो रहा था, तो उम्मीद करूँगा कि इस बार, हालाँकि मैं इसको यहाँ इसलिए नहीं लगाता क्योंकि बार बार फिर किन्जो को पास करना पड़ता है। हमें ज्वाइन किया है बाबा फन फैमिली को, ज्वाइन किया है कैनेडा से सीमा ऑफिशियल ने, बहुत अच्छा चैनल, बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल, जहाँ से आप कनाडा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ पे चीज़ें कैसे मिलती हैं, शॉपिंग कैसे करना है, वहाँ के वहाँ पे मूव कैसे होना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको वहाँ आ सकती हैं, वहाँ का वेदर कैसा है, तो ये सब कुछ जो है वो आपको सीमा ऑफिशियल पर मिल सकता है। कनाडा के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो इस तरह की, इमिग्रेशन के टॉपिक्स पे मैं बात नहीं करूँगा इस पे, और ना ही इमिग्रेशन के टॉपिक्स पे, वो आपको एडवाइस करेंगे, ओवरऑल जो चीज़ें होती हैं उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उनके चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज ये कलेब्रेशन है सीमा ऑफिशियल और बाबा फन के दरमियान, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो आज हम कंपेयर जो करेंगे वो है जियोग्राफिकल लोकेशन, हम डिस्कस करेंगे न्यूजीलैंड और कैनेडा की। सो ओवर टू किन्जा। थैंक यू। ओके, स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ये मिसकंसेप्शन से स्टार्ट करते हैं, बहुत से लोगों को सुन के ये लगता है कि न्यूजीलैंड शायद यूरोप में है, यूरोप में नहीं है, पास पास यूरोप में नहीं है। न्यूजीलैंड की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के बहुत पास है, तो अगर हम देखें पॉलिनीजिया या जहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ दोज आइलैंड्स, और ये एक पूरे पीस में आपको मैप पर नज़र नहीं आएगा, दो पोर्शंस में हम इसको देख सकते हैं, एक आपके पास नॉर्थ आइलैंड बन जाता है और एक साउथ आइलैंड बन जाता है, और दोनों अपने आप में एक हसीन दुनिया है, ये जो है वो ज्योग्राफिकल लोकेशन है जी। तो किन्जा ने न्यूजीलैंड की ज्योग्राफिकल लोकेशन बता दी है, अब आप जाएं सीमा ऑफिशियल और वहाँ पे आप कैनेडा की ज्योग्राफिकल सिचुएशन देख के वापस आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सीमा ऑफिशियल बाबा फन आरआरसी। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वो दिन आ गया है जिसमें हम रामेश के साथ बाबा फन आरआरसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, और ये वीडियो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस होगी जिसमें हम दिखाएंगे न्यूजीलैंड एंड कनाडा। अभी जहाँ पे हम खड़े हुए हैं वो जगह हम आपको डिटेल में इंशाल्लाह दिखाएंगे, आपको पता चलेगा कि मैं हिंट दे दूँ? हाँ बिल्कुल, ये 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड पे हम खड़े हैं, और हम ख़ास तौर से यहाँ पे आए हैं आपको ये दिखाने के लिए कि ये कितनी खूबसूरत जगह है, अल्लाह ताला की किस किस नेमत का हम शुक्र करें। नो वंडर्स। ये वीडियो जो है इसको हमने 3 एपिसोड्स में डिवाइड किया है, सो फाइनली हम लोग अभी
कनाडा का एपिसोड बना रहे हैं, फिर रामेश न्यूजीलैंड का बनाएंगे, फिर हम उसको एडिट करके इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और हम कंपैरिजन करेंगे दोनों को। ये कंपैरिजन बेसिकली इसलिए है कि किसी को कनाडा आना है तो वो ये भी देख सकता है कि उसके पास और ऑप्शंस हैं कि नहीं है, कि नहीं है, और इजी गोइंग क्या है कनाडा या फिर न्यूजीलैंड, जो भी पाकिस्तान से या किसी अदर कंट्री से आना चाहते हैं, इंडिया से, इजी गोइंग तो कुछ भी नहीं होता है अब्रॉड का। बस ये है कि आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा ईज आपको मिल जाए बेसिकली। दैट्स व्हाट आई सेड ना कि इजी क्या है, बेनिफिट्स किस में सबसे ज्यादा हैं। तो डेफिनेटली लेट्स सी, लेट्स गो, लेट्स गो। तुम कहो तो रुके, तुम कहो तो चले, ये जुनून है अगर तो जुनून सोच ले। तुम कहो तो रुके, तुम कहो तो चले, मुझको पहचानती है कहाँ मंजिले। देखना मेरे सर से आसमां उड़ गया है, देखना आसमां के से। तो जी हम आ चुके हैं रेल से, ये रेल थी, ये रेल थी, वहाँ से आए हैं और यहाँ तक आए हैं, और ये टू वे है तो इजीली हम इस पे वापस भी जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सराउंड में है, बहुत अच्छे अच्छे होटल्स बने हुए हैं यहाँ पे। ये कि हम लोग नायग्रा फॉल आए हुए हैं अभी राइट नाउ, या और शेरटन, ये सारे होटल्स जो है ना बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, सराउंड पे हैं, सराउंडिंग। सिंह जियोग्राफिकल थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं। सीमा आप बताना चाहेंगी कुछ? हाँ जी, कनाडा जो है यहाँ का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, और जिसकी पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 38 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है इसकी, और ये इसके जो नेबर्स हैं, नेबर्स इन अ सेंस के बिल्कुल ही मतलब बॉर्डर जॉइंट हैं, अमेरिका और मैक्सिको नंबर वन है, मतलब नॉर्थ अमेरिका जो आप कहते हैं उसमें कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका तीनों ही कंट्रीज आ जाती हैं। अभी बारिश भी हो रही है तो मेरे ख्याल से हम लोग शायद वहाँ पे मूव कर जाएंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब तक यहाँ पे ही खड़े रहते हैं। और अगर सीमा कुछ बोलना चाहें तो बोलें। हाँ तो मैं यही बताऊँगी कि कनाडा जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है, नो डाउट। और दूसरा ये कि कनाडा और यूएस का बॉर्डर जो है वो बिल्कुल साथ साथ ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नायग्रा फॉल्स का ये यहाँ पे एक बॉर्डर मिलाता है, उस साइड पे यूएस से है, साइड पे कनाडा है, और दूसरा सबसे मेन जो है वो यहाँ पे अटलांटिक ओशन है जो कि कनाडा से मिलता है और सबसे बड़ा ओशन है वर्ल्ड का। यहाँ पे जो है अगर आप थोड़ा सा ही आगे जाएं, कैलगरी, अल्बर्टा जो दूसरे इसकी प्रोविंस है इधर अपना कनाडा में, ये इतने खूबसूरत हैं, अगर आप लोग गूगल करें बैम्फ या जैस्पर, हम लोग गए थे लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग खूबसूरती है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वीडियोस भी हैं, उसकी वीडियोस भी हैं हमारे चैनल पे सीमा ऑफिशियल पे, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, और इंशाल्लाह कभी दोबारा गए तो फिर प्रॉपरली एक कुछ व्लॉग्स भी बनाएंगे इंशाल्लाह उस पे। तो भाई आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है डिस्टेंस न्यूजीलैंड टू पाकिस्तान कितना है, कितना सफ़र बनता है भाई किलोमीटर में, पहले बात कर लेते हैं। ये बनते हैं 13,378 किलोमीटर, यानी रफली आप लगाएं तो 13,000 किलोमीटर दूर है न्यूजीलैंड पाकिस्तान से। और अगर हम फ्लाइट्स की बात करें, अगर आप फ्लाइट बाय एयर ही आना पड़ता है भाई यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ न्यूजीलैंड का बॉर्डर किसी और कंट्री के साथ नहीं लगता, तो अगर आप बाय एयर आते हैं तो आपको 22 से 24 घंटे लग सकते हैं। जो आपने मुसलसल फ़्लाइट लेनी है वो 22 से 24 घंटे हो सकते हैं, क्योंकि आपने पहले पाकिस्तान से दुबई आना होता है, कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट जो है वो न्यूजीलैंड नहीं आती, और फिर दुबई से या फिर कतर से फिर आपने आना होता है न्यूजीलैंड ऑकलैंड। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी टाइम डिफरेंस से रिलेटेड,
तो अगर हम पाकिस्तान से न्यूजीलैंड का टाइम डिफरेंस देखें तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान से 8 आवर्स आगे है. जिस तरह के आपने हमारे न्यू ईयर्स के व्लॉग में भी देखा होगा कि न्यूजीलैंड वो पहला मुल्क है जहाँ पे सबसे पहले नया साल शुरू होता है. तो दुनिया में तो अगर ये कहा जाए कि न्यूजीलैंड टाइम के हवाले से पूरी दुनिया में सबसे आगे है तो ये गलत नहीं होगा. तो 8 घंटे का डिफरेंस है भाई पाकिस्तान से, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा टाइम डिफरेंस है. तो अभी आप जाएं सिमा ऑफिशियल पे और वहां से देख के आएं कि कनाडा का कितना टाइम डिफरेंस है पाकिस्तान से. और जी अगर हम वक्त का या जो टाइम का ड्यूरेशन बताएं तो कनाडा जो है वो 11 घंटे पीछे है पाकिस्तान से. अगर हम जैसे कि सपोज़ कि सैटरडे की हमारी फ़्लाइट है और हमें कनाडा आना है तो हम कनाडा सैटरडे को ही पहुंचेंगे. तो इसका मतलब कि अगर वहाँ पे सैटरडे आके आपकी फ़्लाइट है तो आप यहाँ पर जब पहुँच रहे हैं तो आप सैटरडे को ही पहुँच रहे हैं, 11 घंटे आप बैक हो जाते हैं. तो भाई अगला जो टॉपिक है हमारा वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी कम्युनिटी कितनी है. तो भाई मैं आपको सीधा सीधा बता दूँ 2-4 लफ्ज़ों में कि यहाँ पर टोटल जो पाकिस्तानी हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6,000 हैं. सिर्फ 6,000 पाकिस्तानी हैं यहाँ पे. आप खुद कंपेयर अप कर सकते हैं बाकी कंट्री से कि भाई कितने कम यहाँ पे पाकिस्तानी हैं. तो उसी तरह से जितनी कम कम्युनिटी होगी उसी तरह से फिर उतने ही कम मौाक़े होंगे कम्युनिटी के लिए, उतनी ही कम मसाजिद होंगी, उतने ही कम ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, उतना ही कम फिर आपकी कम्युनिटी के लिए काम किया जाएगा. और भाई आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी कितने कम हैं न्यूजीलैंड में. तो भाई मैं तो आपको यही कहूँगा कि आओ मोस्ट वेलकम, आप सब न्यूजीलैंड भी आओ ताकि हमारी कम्युनिटी जो है वो यहाँ भी ग्रो करे. हम 6,000 से 12,000, 12 से 15, 15 से 20, 20 से 30 और फिर 1,00,000 हो जाएं एक साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह. क्योंकि जितनी कम्युनिटी ग्रो करेगी बढ़ेगी, मौाक़े बढ़ेंगे, इंट्रैक्शन बढ़ेगा और मज़ा आएगा भाई. अच्छा जी कनाडा में हम कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पर लार्जेस्ट जो अमाउंट ऑफ पीपल है ना वो हमारे अपने एशियन हैं, देसी हैं, जो कि पाकिस्तानी इंडियन भरे पड़े हैं यहाँ पर. तो जी हम कहेंगे ना यहाँ पर जो लार्जेस्ट अमाउंट है यहाँ पे हमारे अपने लोग बहुत सारे हैं. तो एक मज़ा ये भी है कि यहाँ पर अपने पाकिस्तानी इंडियन भाई बहन बहुत सारे हैं जिनसे मिलकर बड़ा मज़ा आता है. चाइनीज़ ग्रुप भी है, वो भी हमारे अपने ही हैं. लेकिन ये है कि ये जो अपने देसी होते हैं ना इंडियन पाकिस्तानी, इसका मज़ा ये है कि यहाँ पर जितने मोस्टली रेस्टोरेंट्स हैं ना वो भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ और दिखाऊँगी भी कि वहाँ पर जी आपको सारे हलाल रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, बहुत सारे सर अपना देसी फूड मिलेगा. तो ये एक मज़ा है यहाँ पर. मेनली आपको बता दिया है सीमा ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में, हमारी देसी कम्युनिटी के बारे में, जिसमें मेनली आपका इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इवन श्रीलंका है, राइट. लेकिन आप यकीन करें अगर थोड़ा सा आप घुमाओ इसको यहाँ पर, सीमा दिखाओ ज़रा सा कि कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं. उधर देखो, उधर ये सारे के सारे जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं ये मोस्टली हमारे देसी लोग हैं. और जितने भी बिज़नेस चल रहे हैं, हम आपको एक प्लाज़ा स्पेशली नाइट टाइम पे दिखाना चाहते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 से ऊपर रेस्टोरेंट्स हैं और सारे के सारे हलाल रेस्टोरेंट हैं. ना खाने का प्रॉब्लम है, ना आपको शॉपिंग का प्रॉब्लम है, ना किसी चीज़ का आपको प्रॉब्लम है. मेरे ख्याल में प्रॉब्लम सिर्फ़ एक ही है, वो है कनाडा आना. यू नो अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कम्युनिटी के बारे में. मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ 90% हमारे देसी बच्चे हैं. तो इट्स लुक लाइक कि वो पाकिस्तानी स्कूल है या फिर वो इंडियन स्कूल है. यू नो लाइक इट्स प्रीटी मच अपना देश है बट विदेश है. थैंक यू. अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वीज़ा कैटेगरी. और उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है जो बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो आना चाहते हैं, वो है स्टूडेंट वीज़ा. तो भाई मैं आपको ये बताता चलूँ कि न्यूजीलैंड में 16 गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बाकी किसी और भी, मुझे लगता है कि कोई और जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उसके मुकाबले में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर हैं. तो जो स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ आगे स्टडी करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए एक अच्छा कंपैरिजन होगा कि वो किसी और कंट्री को अगर देखते हैं तो वहाँ पे चॉइस ज़्यादा है उनके पास. यहाँ पे सिर्फ 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं. अगला टॉपिक अगर हम आ जाएँ वो है पॉइंट बेस्ड पीआर. एक हमने वीज़ा कैटेगरी में बात की स्टूडेंट वीज़ा, सेकंड है पॉइंट बेस्ड पीआर. उसमें डिपेंड करता है कि आपका, आपकी एज कितनी है, आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, आप का जो है वर्क एक्सपीरियंस कितने, आप किस फील्ड के बंदे हैं. तो पॉइंट बेस भी पीआर आप यहाँ पे ले सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंस.
और थर्ड टॉपिक पे अगर हम आ जाएं वो है ग्रीन लिस्ट। न्यूजीलैंड में जिन लोगों की कमी है, जिस ऑक्यूपेशन में लोग कम हैं, अगर वो न्यूजीलैंड उनको हायर करता है तो वो भी यहाँ पे आके डायरेक्ट पीआर ले सकते हैं। हम कोई भाई कंसल्टेंट नहीं है, वीज़ा कंसल्टेंट नहीं है, लेकिन ये कैटेगरीज़ हैं, चंद पॉइंट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं ताकि आप इन पे रिसर्च करके इनको देख के जो है वो अच्छे से अपना डिसीजन ले सकें। तो वीज़ा की कुछ कैटेगरीज़ हैं यहाँ पे कनाडा में आने के लिए, जिसमें कुछ मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली, जिसमें एक है विजिट वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है, स्पाउस वीज़ा है, और आपका वर्क परमिट है। इस तरह से काफ़ी सारे तरीके हैं कनाडा आने के। एंड एक चीज़ आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि प्लीज़ जो भी काम करें वो प्रॉपर करें, प्रॉपर कंसल्टेंट से करें, हर किसी के पास जाके आप लोग ना पूछें, फेसबुक के ग्रुप्स पे ना पूछें, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि कौन कैसा है, कौन कितने पैसे आपसे ले ले, एंड देन नथिंग हैपेंस, यू नो। और अभी कनाडा में जो है वर्क परमिट्स का बहुत अच्छा अभी सिलसिला चला हुआ है। स्टडी वीज़ा के बारे में मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर एक ऑफिशियल वेबसाइट है कनाडा की, जिसके आप उसके गो थ्रू जा सकते हैं, वहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में हैं। बस ये कि थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, जिससे लोग भागते हैं और ये सोचते हैं कि जी कंसल्टेंट के पास से ले जाएँ, थोड़े पैसे दें और जी हमारा काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप खुद से थोड़ी मेहनत करें, जब मेहनत करेंगे ना तो जितनी मेहनत डालेंगे उतना ही गुड़ जो है, कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो आप थोड़ी सी मेहनत खुद करें। ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसके थ्रू भी आप जाके पढ़ के बहुत सारे उसमें से आपको हेल्प हो सकती है। लेकिन वो और दूसरा एक मेन बात ये कि कोई भी आप वीज़ा अप्लाई करें उसके लिए सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है ना, जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने, इमिग्रेशन ने यहाँ की ज़रूरी कर दिया है, वो है आइल्स। वो करना ज़रूरी होता है हर हाल में। आपको ये मत सोचें कि अगर आपका कोई जानने वाला कनाडा में रहता है, आपने उसको सिर्फ फ़ोन करा यार हमें बुला लो, भाई ऐसा नहीं होता है। हमें कम से कम भी 5 कॉल्स रोज़ाना की आती हैं। अभी इंशाल्लाह ताला जब रामेश के पास भी मतलब पासपोर्ट आ जाएगा, थोड़ा सा सेटल डाउन वो हो जाएंगे और ज़्यादा, तो आई बिलीव कि उनके पास भी, अपार्ट फ्रॉम देखो पेरेंट्स, भाई बहन, ये तो आपकी फैमिली है ना, आपके जो दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी बातें आपसे नहीं करी होती हैं, वो भी खड़े हो जाते हैं कि भाई हमें भी बुला लो। यार ऐसे कैसे बुला लो, मतलब अगर इतना आसान होता तो हम तो पता नहीं कब के यहाँ पे आए हुए होते, बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ पे हैं। बहरहाल ये ना समझें कि वीज़ा जो है बहुत इजी प्रोसेस है, ऐसा नहीं है, इसके भी बहुत सारे यू नो स्टेप्स हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से बहुत अच्छी वेबसाइट लॉन्च हुई हुई है, जिसको आप जाएं गूगल सर्च करें और उसमें आपको बहुत सारे स्टेप्स नजर आएंगे। वो वेबसाइट आपको पता है, बताएं ना। हाँ, www.cic.gc.ca, वैसे हम इसे लिंक में भी दे देंगे, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से भी आप जाके क्लिक करके। लेकिन भाई मेरे, उसको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे ही तो आपको समझ में आएगी। उसमें चेकलिस्ट होती है, उसके गो थ्रू जाएं कि हमने कौन से एप्लीकेशन हमने किस तरह भरनी है, उसकी चेकलिस्ट क्या है, उसके गो थ्रू जाएं, और वो चेकलिस्ट जैसे जैसे पूरी होती जाए आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो सकता है और आप सबमिट करा सकते हैं। हमारे पास से पॉइंटर्स ख़त्म हो गए हैं। आप देखते हैं कि न्यूजीलैंड में कितने पॉइंटर्स हैं कनाडा आने के। रामेश के पास चलते हैं और देखते हैं कि न्यूजीलैंड अगर आपने आना है, विजिट पर ही आना है। देखिए ये कंट्रीज ऐसी हैं कि एक्सप्लोर अगर आपने लाइफ में एक दफ़ा कर लिया है ना, आप यकीन करें कि बस ये ब्यूटी मैं आपको क्या दिखाऊं। आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह से हर चीज़ बहुत अच्छी है। मैं अभी आगे वीडियो में हम आपको इसके बेनिफिट्स बताएंगे, जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या बेनिफिट्स हैं इंशाल्लाह। तो भाई आज 5 टॉपिक्स पे हमने आपसे डिस्कस किया है न्यूजीलैंड में और कनाडा में आपके साथ। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा था वो था ज्योग्राफिकल लोकेशन, दूसरा टॉपिक डिस्टेंस फ्रॉम पाकिस्तान, थर्ड टॉपिक वीज़ा कैटेगरीज, फोर्थ टॉपिक टाइम डिफरेंस, एंड फिफ्थ कैटेगरी पाकिस्तानी कम्युनिटी। तो भाई आज के ये 5 टॉपिक्स थे जिन पे हमने आपसे बात की है, न्यूजीलैंड और कनाडा को कंपेयर किया है। तो अगर आप इस तरह के मज़ीद व्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को और सीमा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस सीरीज़ को आगे लेके जाएंगे। हम यहाँ पे 2 से 3 वीडियोस आपके लिए बड़ी स्पेशल किस्म की बनाएंगे, जिसमें हम कंपेयर करेंगे कनाडा को और न्यूजीलैंड को, और ऐसे ऐसे राजों से पर्दा उठाएंगे जो आपको आज से पहले नहीं पता होंगे न्यूजीलैंड और कनाडा के हवाले से। तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा आपने ये भी कॉमेंट करके बताना कि इस तरह की मज़ीद सीरीज़ हम लेके आएँ, कंपैरिजन यूके से भी करें, यूएस से भी करें, न्यूजीलैंड का, और किन किन कंट्री से हम कंपैरिजन करें, तो ये भी आपने लाजमी कमेंट करना है। और आपने ये भी बताना है कि आपको आज की लोकेशन कैसी लगी।
और इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।